गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं? चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और आज फिर वैसे ही चावल बनाए हैं जैसे मैं चाहता था, ठीक है? मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ओके भाई, सबसे टेस्टी चावल होता है ये, हल्का सा भुना हुआ, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा भुना हुआ, और बाकी अंदर से सही है भाई, ठीक है? तो सबसे अच्छा टेस्ट मुझको यही लगता है भाई। अभी भाई आपको लग रहा होगा कि ये चावल जल गए हैं और दिल को तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा पानी को कम कर दिया था भाई, ठीक है? तो तब जाके ये ऐसा बना है और ये मुझे अच्छा लगता है भाई, ऐसा थोड़ा सा हल्का भुना हुआ ना। गाइस, बाहर देखो इतनी कड़क धूप है, आंखें बंद हो रही हैं सीधा, हालांकि हवा भी चल रही है अब थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन बहुत तेज़ धूप है भाई। आज आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है यहाँ पर। ये देखो भाई, इन एक तो स्टैंडिंग लाइन है, दिव्यांशु देख, चल इधर देख, यहाँ देख, ई में क्या है, एक स्टैंडिंग लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है? और फिर एक स्लीपिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन और तीसरी स्लीपिंग लाइन। ई में कितनी स्लीपिंग लाइन हो गई? तीन, तीन स्लीपिंग लाइन। कौन कौन सी बताना दिव्यांशु, यहाँ पर ई में कौन कौन सी है? तीन स्लीपिंग लाइन, एक दो और तीन। पहले एक स्टैंडिंग लाइन हो गई, ठीक है? ये स्टैंडिंग हो गई, ये स्लीपिंग, ये स्लीपिंग और ये स्लीपिंग। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो? यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यू गॉट इट? ओके, ऑलराइट। एंड एफ में, एफ में कितना है? नीचे देख, एफ में एक स्टैंडिंग लाइन है और दो स्लीपिंग लाइन है, ठीक है? ई में तीन और एफ में दो, ठीक है? हो गया, बना। अभी अभी ये देवांशी सबसे, अभी सबसे बड़ी मुश्किल है इस देवांशी के साथ कि उसको पेंसिल पकड़ना सिखाना है, ठीक है? तुमको तो आ गया, पर लेकिन इसको पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा अभी। बना देवांशी, बना, इसको पेंट कर, इसको भर, पेंट कर। जैसे इसको पेंट किया ना, इस बॉक्स को पेंट कर। हाँ, चला, चलाते रह, चलाते रह, रुकना नहीं है, ठीक है? ठीक है, ऊपर देखना, मेरी तरफ देखना ज़रा, रुकना नहीं है, ठीक है? ठीक है, यस और नो? से यस, यस, से यस। यू गॉट इट? यू गॉट इट? राइट डाउन, पेंट कर इसको, पेंट करो। दिव्यांशु, यू आर वेरी जीनियस मैन, ओके? चल यहाँ देख, बी में क्या है? एक स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है? क्या है? एक स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद दो कर्व हैं इस पे, ठीक है? दो कर्व हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है? ए में एक कर्व है, उसके बाद स्लीपिंग लाइन है, ठीक है? बी में एक स्टैंडिंग लाइन, दो कर्व हैं, ठीक है? और सी में तो खुद एक कर्व है, ठीक है? ये एक कर्व है, ठीक है? सी का उल्टा कर्व है किस में? बी में, दो बार। सी का उल्टा कर्व बी में दो बार है, ठीक है? ठीक है, ठीक है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? जल्दी बनाओ उसको, बना के दिखा मुझे, ढंग से बैठ, पहले ढंग से पकड़ इसको, इधर सुना भाई, सुना, चल। अनु, क्या हो गया? मारा किसने? मारा? मारा नहीं ना, बना, चल बना, बना। पेन पकड़ देवांशी, पेंसिल पकड़ इसको, पेंसिल को ढंग से पकड़, ढंग से, ऐसे पेंट जैसे यहाँ पर किया ना, तो वैसे इस बॉक्स के, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है? इस ट्रायंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नीचे देखो, नीचे नोटबुक में देखो, ठीक है? पेंसिल ढंग से पकड़ो, पकड़ो ढंग से, चलाओ, चलाओ, बनाओ, पूरा बनाओ, बाहर नहीं जाना चाहिए, इस ट्रायंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, हाँ तो बनाओ। एक स्टैंडिंग लाइन, सी का उल्टा कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन, सी का उल्टा कर्व, ठीक है? पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करो इस पे। तुमने कर दिया क्या? क्या क्या ये, क्या बी बन रहा है? क्या वो डी है ना? डी बनाना इधर। क्या बोला मैंने? एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कैसे बनती है? ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है? और एक सी, खच्चर, यहाँ देख, इसको ऐसे बनेगा ये,
ऐसे, ठीक है, उल्टा कर्व। ये बी उधर क्यों ले जा रहा, बी है क्या वो? बी पे दो कर्व होते हैं, डी पे केवल एक सिंगल उल्टा, सी का उल्टा कर्व, ठीक है। हाँ ये ठीक है, पर लेकिन साइज कैसा रखना है, जितना डॉट डॉट है जहाँ पर, ठीक है। चलो बनाओ, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन है और तीन स्लीपिंग लाइन, एक दो तीन, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन, तीन स्लीपिंग लाइन, किस में? ई में। एफ में केवल दो स्लीपिंग लाइन होंगी, ठीक है। इसलिए मैं आज आ रहा हूँ, इसलिए मैं इनको, इन दोनों को होमवर्क दूंगा ट्रेसिंग लाइन का, ठीक है। ठीक है, ट्रेसिंग लाइन, इसीलिए मैं तुमको ट्रेसिंग लाइन सिखा रहा था पहले, ठीक है। ट्रेसिंग लाइन इसलिए सिखा रहा था ताकि ये लिखना सीख जाए, ट्रेसिंग लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। ठीक है पाजी, तुझसे समझ गया हो? हाँ तो लिखो डी, लिखो। आज आज अब हमारी छुट्टी हो गई है, आज हमारी छुट्टी हो गई है। अब हम फिर कल मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। और नहीं सीखेंगे, सीखेंगे। सर जी का डंडा बजेगा, सर जी का डंडा बजेगा। इसलिए हम जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। टाइम पे आएंगे, टाइम पे आएंगे। और इधर उधर नहीं भागेंगे, 4 बजे आएंगे। 5 कोई बात नहीं है, 5 बजे आना, पर आना, ठीक है। इधर उधर मत भागना, दुकान में मत भागना, ठीक है। यहाँ पर आना है, ठीक है। मारता कोई नहीं है, ठीक है देवांशी। कल भी आना है, ठीक है, कल भी आना है, ठीक है। और रोना नहीं है, मारता कोई नहीं है, ठीक है। बारी है, सर जी सुनाओ, गाना सुनाओ कोई भी। सर जी गाना सुनाओ। हाँ कोई भी सुनाओ। चार वाला मुखड़ा। हाँ सुना। चार वाला मुखड़ा लेके बाजार में चलाओ। हाँ और के लिए क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, क्लैपिंग, क्लैपिंग। ये है पाजी, ये है पाजी, ये है मास्टर जी, ये है सर जी, ये है मैडम जी, ठीक है। देवांशी के लिए भी क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, क्लैपिंग, देवांशी क्लैपिंग करो। ओके ओके, बाय 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 बाय, कर जाओ देवांशी। गाइस यहाँ तो दरवाजा ही टूट गया है यार, पानी छिटकने के लिए जा रहा था मैं मशरूम पे, लेकिन ये दरवाजा, हमने बात की थी कि थोड़ा हवा देने के लिए, और ये दरवाजा खुद ब खुद इसने शायद सुन लिया। वैसे दीवारों के कान होते हैं, लेकिन आज पता चला कि दरवाजे के भी कान होते हैं भाई। हमने बोला था कि मशरूम को थोड़ा सा हवा देंगे 15-20 मिनट, और ये खुद ही टूट गया भाई, खुद ही हवा देने लग गया, कि इसने रास्ता दे दिया हवा को खुद ही, है ना। वैसे ये पहले से ही टूटे हुए हैं भाई। भलो लगे दुबनने तेरो मट मट मिटणो, हे भलो लगे दु, भलो लगे दु, भलो लगे दु। यहाँ देखिए गाइस, हमने ये बैम्बू के रैक्स स्लैब्स बना रखे हैं बैम्बू के, इनमें अटकाने के लिए, ठीक है। और पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने लटकाए हुए हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो तैयार हो गए भाई। देखो गाइस, पानी देने का इतना फ़ायदा, ये कल बहुत छोटा था, रात देखो कितना चौड़ा हो गया। ये फ़ायदा आप पानी देने का, अगर हम इसको पानी नहीं देते तो ये छोटे ही रहते भाई, ये चौड़े नहीं होते। ये देखो ये कितने बड़े हो गए पानी देने से भाई, अगर इनको पानी नहीं देते तो ये ऐसे ही छोटे छोटे रहते, है ना।